राज्यसभा चुनाव में शहाबुद्दीन समर्थकों को भारी झटका लगा था। ये झटका राजद ने जब राज्यसभा को लेकर उम्मीदवारों की घोषणा की तो अल्पसंख्यक समाज को फायदा हुआ, लेकिन शहाबुद्दीन समर्थकों को काफी झटका पहुंचा। ये झटका इसलिए कि शहाबुद्दीन समर्थकों का मानना था कि शहाबुद्दीन साहब ने राजद के लिए खून पसीना एक कर सिवान में खड़ा किया, लेकिन अंततः परिणाम क्या निकलकर सामने आया, शहाबुद्दीन के परिवार को पूछा तक नहीं गया। ये आरोप शहाबुद्दीन समर्थक लगातार लगा रहे थे। हिना साहब ने अपने समर्थकों से कहा कि धैर्य रखिए, बातचीत होगी और सभी लोगों के राय से फैसला किया जाएगा। लेकिन अब जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, राज्यसभा चुनाव में ये सारी घटना घटी तो MLC चुनाव में शहाबुद्दीन समर्थकों को यह अंदाजा था कि उन्हें फायदा होगा, लेकिन वहां भी उन्हें फायदा नहीं हुआ। शहाबुद्दीन समर्थक को वहां भी झटका लगा है। MLC चुनाव की घोषणा हो गई है, मंजू देवी और कारी सोएब और साथ ही पांडे जी को टिकट मिला है। ये टिकट जैसा ही मिला तो चर्चा तेज हो गई कि एक अल्पसंख्यक, एक दलित और एक ब्राह्मण को टिकट दिया गया है, लेकिन इसमें अल्पसंख्यक तबके से कारी सोएब जो राजद के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं युवा विंग में, तो कहीं ना कहीं उनको लेकर यह चर्चा थी भी पहले से, लेकिन शहाबुद्दीन समर्थकों को यह अंदाजा था कि हो सकता है हिना साहब या शहाबुद्दीन के पुत्र ओसामा को भेजा जा सकता है राजद की तरफ से, लेकिन यहां भी उन्हें झटका लगा है। यानी राजद ने शहाबुद्दीन समर्थक को बड़ा झटका दिया है। सवाल यही है कि शहाबुद्दीन के जो लोग हैं लगातार राष्ट्रीय जनता दल की सेवा करते आए हैं, और ऐसे मौके पर टिकट बंटवारे में जब कहीं ना कहीं शहाबुद्दीन समर्थकों को झटका लगता है तो कई सवाल खड़े होते हैं, और ये सवाल इसलिए भी लगातार खड़े हो रहे हैं कि आने वाले दिनों में शहाबुद्दीन के समर्थक और हिना साहब किस पार्टी की तरफ रुख करेंगी। खबर तो यह है कि जदयू की तरफ उनका रुझान है। जदयू नेता श्याम बहादुर सिंह ने उन पर डोरे डाले हैं, कह भी दिया है कि नीतीश कुमार बिहार के लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं, सभी लोगों का स्वागत है। सिवान में जो बड़े नेता हैं उन नेताओं ने मुलाकात भी की थी जब शहाबुद्दीन की असमय निधन हुई। तो अब इसी को लेकर बड़ी खबर राजद समर्थकों के लिए है कि MLC चुनाव को लेकर ऐलान किया जा चुका है, लेकिन शहाबुद्दीन समर्थकों के लिए ये बुरी खबर भी है और उनको एक और बड़ा झटका भी लग गया है। अगर वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखे नहीं तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।